हेलो एवरीवन, मैं साधना। वेलकम टू माय चैनल यम्मी पका यम्मी खाओ। आज बहुत ही बढ़िया सा स्नैक्स मैं लेके आई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये स्नैक्स लग रहा है। मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ और सॉस में डिप करके, तो इस तरीके से आप सॉस में डिप करके या हरी चटनी में डिप करके खा सकते हैं। इसे बहुत ही बढ़िया और मज़े का बना है, बिल्कुल ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। देखिए, ये बहुत सारे वेजिटेबल्स को और पोहा को मिक्स करके मैं बनाई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो देखिए कितना बढ़िया स्नैक्स हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। इसमें बहुत तरह से हमने वेजिटेबल भी मिलाया हुआ है। और यहाँ पे मैं एक छोटी कटोरी से एक कटोरी पोहा ली हूँ। इसको मैं दो या तीन पानी से अच्छे से धो लूँगी। धोने के बाद इसे हम यूज करेंगे। तो चलिए इसको धो लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैं ली हूँ, ये बॉयल किया हुआ आलू है, दो आलू है जिसको मैं बॉयल करके मैश कर ली हूँ। और ये धनिया पत्ता है और ये गाजर है, एक गाजर जिसको मैं बारीक कट कर ली हूँ। आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। और एक प्याज है बड़े साइज का, इसको भी महीन कट कर ली हूँ। और ये बंद गोभी है, थोड़ा सा एक छोटी कटोरी से कटोरी छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए बंद गोभी को भी ले रही हूँ मैं। आप चाहें तो इसमें और भी सब्जी मिक्स कर सकते हैं या इसमें से कोई स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो पोहा को मैं दो पानी से अच्छे से वॉश कर ली हूँ, धो ली हूँ और इसका सारा पानी निकाल दी हूँ। ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी इसमें से पूरा निकाल देना है। और पोहा की क्वालिटी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मोटा या पतला कोई भी पोहा ले सकते हैं। अब इसमें हम अपनी कटी हुई सब्जियों को मिक्स कर देंगे। इसमें बॉयल किया हुआ आलू को डाल देंगे, फिर बंद गोभी जो हमने काट के रखा था उसको डाल देंगे, और गाजर, फिर यहाँ पे कटा हुआ प्याज, धनिया पत्ता। अब इसमें मैं डालूंगी चिली फ्लेक्स। यहाँ पे आप चाहें तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें हरी मिर्च भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा काला नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, वाइट नमक। इसमें मैं छोटी चम्मच से आधी चम्मच साबुत जीरा डाल रही हूँ। आप चाहें तो जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच चाट मसाला यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पर एक छोटी चम्मच नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अगर आपको छोटे बर्तन में दिक्कत हो तो आप इन सभी चीज़ों को बड़े बर्तन में डाल के फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अब इसका हम स्मॉल बॉल बना लेते हैं। तो आप अपने अनुसार भी जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, वैसे आकार का वैसे डिजाइन का बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत छोटा सा ली हूँ और छोटा छोटा ही मैं इसको बनाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं इसका बॉल रेडी कर लूँगी। बस छोटा छोटा ही बना रही हूँ मैं, छोटा बॉल रेडी करूँगी। इस तरीके से मैं सभी बॉल रेडी कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं सारे बॉल्स बना के रेडी कर ली हूँ। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें एक एक करके बॉल को डाल देंगे इस तरीके से। इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक चारों तरफ से घुमा घुमा के पकाना है, ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे जिससे ये अंदर तक पक सके। तो ये चारों तरफ से ब्राउन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम निकाल देंगे, ये परफेक्ट रेडी है। इस तरीके से इसे हमें निकाल लेना है जिससे इसका सारा तेल निकल जाए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया क्रिस्मी सा और टेस्टी सा स्नैक्स बन के हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरीके से सभी बॉल्स को हम तल लेंगे। तो स्नैक्स बन के टी टाइम हमारा रेडी हो चुका है।
तो आप इसे टोमेटो सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया और टेस्टी हमारा बन के रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय।